नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। जैसे कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख चुके, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये जो पोको M2 Pro का जो सेल, ये टोटली एक फेक सेल था। देखिए, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि ये जो स्मार्टफोन बुरा है, 15,000 के अंदर पोको M2 Pro अभी बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है और मेरे ख्याल से सबसे बेहतर आज के दिन में स्मार्टफोन है। लेकिन पोको आपने ये जो स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, दरअसल फ्लिपकार्ट वाले यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये प्रूफ पूरा दूंगा। देखिए, आपको तो बताइए, मैं सब्सक्राइबर के लिए और डीलर्स के लिए फोन बुक कर देता हूँ। मेरा कुछ फ्रेंड्स है जो कि फोन बुक करने का काम करते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मैं एक ही साथ पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro का बुकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पोको M2 Pro के लिए 4 विंडो ओपन किया है। अब नीचे टाइम देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर टाइम है 11:58, मतलब सेल शुरू होने पे अभी भी एग्जैक्टली 2 मिनट बाकी। लेकिन अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या होता है। देखिए, अचानक ये जो बीच वाला विंडो, इसमें ऑटोमेटिक ऑटो बाई होके पोको M2 Pro का जो मॉडल मुझे चाहिए वो ऑटोमेटिक कार्ट में जाके एड्रेस सिलेक्ट होके सब कुछ होके फाइनल विंडो आ चुका है। बस यहाँ पर मुझे कैप्चा देना होगा और चेकआउट, मतलब काम खत्म। तो आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट दरअसल यही चीज कर रहा है, सेल शुरू होने के 2 मिनट बाकी है और 2 मिनट से पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरे कार्ट में आके चेकआउट भी हो जाता है। लेकिन बाकी जो दोनों विंडो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक ही में ही चेकआउट हो पाता है, दूसरे में पता नहीं क्या हुआ, प्रोडक्ट कार्ट के अंदर गया लेकिन उसके बाद बाहर भी चला आया। इसलिए मुझे लग रहा है कि पोको M2 Pro का ये जो सेल फ्लिपकार्ट पे हो रहा है, ये दरअसल बहुत बड़ा घोटाला है। आप देख ही सकते हैं, 12 बजे से पहले ही फ्लिपकार्ट पे सेल शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की बात है, आज 12 बजे से सेल था, मैं ये जो ऑटो बाय ट्रिक का जो प्रोसेस है वो खत्म करके 12 बजे से एग्जैक्टली 15 मिनट पहले से रेडी होके बैठा था। अगर 12 बजे के 2 मिनट पहले प्रोडक्ट कार्ड में आ जाता है तो हो सकता है 11:30 बजे, मतलब आधा घंटा पहले भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है। मतलब इसका कोई गारंटी नहीं कि 12 बजे आपका एग्जैक्ट सेल शुरू होगा या फिर नहीं, समय से पहले हर बार शुरू हो ही सकता है। वैसे फ्लिपकार्ट में एक प्रॉब्लम है, मैंने बहुत दिनों पहले सुना था लेकिन आज मैंने खुद ये चीज देखा कि सच में सेल अपने जो टाइम है उससे 2 मिनट पहले शुरू होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहां पर डायरेक्टली ऑटो बाय पर क्लिक किया था। ऑटो बाय पर क्लिक करने पर क्या होता है, मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूं उससे आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक चेकआउट हो जाता है, बस मुझे कैप्चा डालना पड़ता है। इसीलिए मेरे ख्याल से मैं 25 सेकंड के अंदर, अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं मिनिमम फ्लिपकार्ट पे 4 अकाउंट से बुक कर सकता हूं। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि पोको M2 Pro खरीदोगे, मतलब 100% खरीदोगे, पीसी से भी खरीदोगे, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो फोन मिलेगा, क्योंकि इसका एक ही रीजन है, फ्लिपकार्ट दरअसल कब सेल शुरू करेगा, 2 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, मतलब कब सेल शुरू करेगा, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप पोको कंपनी, मतलब पोको इंडिया को एक कॉपी सेंड करो ट्विटर पे और फ्लिपकार्ट इंडिया को सेंड करो ट्विटर पे। दरअसल उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जिस टाइम पे सेल शुरू होने वाला था उससे पहले सेल शुरू हो जाता है, और वो भी बस एक या 2 अकाउंट के लिए, बाकी अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। ये दरअसल फ्लिपकार्ट के वेबसाइट के बहुत बड़ा बग है जिसे कि फिक्स करना पड़ेगा नेक्स्ट सेल से पहले। मैं बस यहाँ पर यही चीज कहना चाहूंगा। तो आज का वीडियो तक, ये जो पोको M2 Pro का सेल के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया आपको पसंद होगा। अगर आपको ये जानना है कि पोको M2 Pro कैसे मैंने डायरेक्टली ऑटो बाय कर दिया, तो पिछले दिन रात को इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।